हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड टैंकर्स। मैं निकेत, मैं पूर्णिमा, और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग घूमने वाले हैं अखा नोएडा। और यार नोएडा में ना दिल्ली के आए हुए लोग बहुत बसे हुए हैं, तो दिल्ली तो उनसे छूट गया, लेकिन जो दिल्ली में उनका प्यार था यानी कि मोमोज, तो वो तो यहाँ से छूटे नहीं है। लेकिन नोएडा में भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर अच्छे मोमोज मिलते हैं, जहाँ पर आप जाके ट्राई कर सकते हैं अगर आप नोएडा में रहते हैं। तो हमने उन सब जगहों को एक वीडियो में सम अप कर दिया और आप लोगों के लिए पेश कर दी, फाइंडिंग दी बेस्ट मोमोज इन नोएडा। तो बने रहिए वीडियो में और चलते हैं आपको लेकर। इन सर्च ऑफ गुड मोमोज इन नोएडा, हम जो फर्स्ट स्पॉट पे आए हैं वो है टेस्ट ऑफ सिक्किम, जो है सेक्टर 18 की मार्केट में। तो अगर एम्बियंस की बात की जाए तो मजा आ गया एम्बियंस देखकर, इतने सुंदर फ्लैग्स है और वो बिल्कुल तिब्बतन वाली वाइब है, बैठने वाली सिटिंग है, मस्त ऐसे चल रहा है, बाहर की बहुत गर्मी है। तो हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी है, चलते हैं आगे वीडियो में और आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या ऑर्डर किया और वो टेस्ट कैसा करता है। चलो ये मोमोज की वीडियो है, लेकिन हम जब मेन्यू देखा तो हम थोड़े पिघल गए और हमने एक लाफिंग भी ऑर्डर करी है। तो ये है सोया वाइवा लाफिंग, और वैसे फिलिंग थोड़ी मोमोज की होती है सोया, बट ये लाफिंग में है, अंदर वाइवा की फिलिंग है और जो ऊपर का इनका जो लेयर है वो थोड़ी ड्राई है। मतलब मैंने सबसे पहले मजनू वटीला में ही खाई है और मैं ये फर्स्ट टाइम किसी ऐसे कैफे रेस्टोरेंट में खा रही हूँ, तो आई फील थोड़ा सा ड्राई है। बस टेस्ट इज ओके, आई प्रेफर मशरूम को डेला मोदा वाई वाई वो उसमें, बस और चीज़ें देखते हैं। अभी मोमोज की वीडियो है तो मोमोज तो आने बनते ही रहे, तो हमने यहाँ पर ऑर्डर करे हैं इनके पैन फ्राइड मोमोज, जिसे आप कोथे मोमोज के नाम से जानते हैं, जो कि नीचे से फ्राइड रहते हैं, और ये हमने वेज ही करे हैं, वेज फिलिंग के साथ। मोमोज में एक अच्छी बात मेरे को लग रही है कि मोमोज ना बहुत जूसी से फील हो रहे हैं, नॉर्मल पैन फ्राइड मोमोज काफी जूसी से फील हो रहे हैं। फिलिंग की बात करूँ तो इसमें वेज की फिलिंग है, कैबेज वगैरह, कैरेट वगैरह, प्याज, अनियन वगैरह है, काफी कम जगह पर सेसमे सीड की जो चटनी है वो मिलती है, और इनकी चिली सॉस भी ना थोड़ी ऑरेंज है, रेड जैसे मोस्टली जगह पर रेड होती है, थोड़ी सी रेडिश होती है। बाकी टेस्ट करके बताता हूँ मोमोज और नोएडा में ना अच्छा फूड बहुत कम जगह मिलता है, मतलब हमें जो फील होता है, क्योंकि हम दिल्ली का इतना फूड ट्राई कर चुके हैं ना, और ये वन ऑफ द प्लेस जहाँ पर बहुत अच्छे मोमोज मिलते हैं, बहुत ही जूसी मोमोज हैं, स्किन जो मोमोज की है बहुत अच्छी है, ज़्यादा थिक नहीं है, ज़्यादा थिन नहीं है, और फीलिंग भी बहुत बढ़िया है। सारी जो चटनी है ना सेसमे सीड का टेस्ट बहुत अच्छा है, जो चिली सॉस है ना एकदम माइल्ड चिली है, बहुत ज़्यादा चिली सॉस नहीं की, बहुत धुएं निकालने वाली है, बहुत माइल्ड चिली, और सेसमे सीड जो सॉस है वो बहुत टेस्टी, तो मस्ट ट्राई जगह है, मस्ट ट्राई। हम इसे कम्प्लीट करते हैं और एक स्पेशल मोमोज भी आने वाले हैं उसके बाद। क्या आपने इतना बड़ा मोमो देखा है? सो ये है टाइपो, चिकन टाइपो, बेसिकली इट इज अ बिग मोमो, बहुत बड़ा मोमो है, काफी हैवी, इट इज अराउंड ऑफ 5 kg। अब सबसे पहले तो इसका फिलिंग देखते हैं, मस्त, जैसे हम बाव खाते हैं ना वैसा ही है, सेम फीलिंग, बहुत अच्छी लग रही है, लहसुन चिकन, इट स्मेल सो गुड, ट्राई करते हैं। जो टिंगलों का टेस्ट होता है या जो बाव का टेस्ट होता है सेम वैसा टेस्ट है, फीलिंग का टेस्ट बहुत अच्छा है, और जो ये स्किन है इसकी काफी थिक है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी जैसे मोमो जूसी थे ना, ये भी वैसे ही जूसी है, ट्राई बिल्कुल करना चाहिए, इतना बड़ा मोमो, वेरी गुड टेस्ट। और सबसे बड़ी बात सॉसेज इनकी वही सेम है, और तो सॉसेज के साथ तो मजा आ गया, और बीच में ना खाते खाते पता चला कि इसमें बॉइल्ड एग की भी फीलिंग है यार, क्या लो क्या ही लो, मतलब क्या ही लो। अभी से एग के साथ, मैं एग के साथ भी मेरे को टेस्ट करना बनता है इसका, जिनको बॉइल्ड एग्स पसंद है ना उनको मजा आने वाला है, मस्ट विजिट प्लेस, अगर आप कभी यहाँ पर आए हो तो कमेंट करके बताओ। बाकी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो सेकंड स्पॉट है हमारा यमसम मोमोज। नोएडा वाले ना इस मोमो स्पॉट को भी बहुत पसंद करते हैं, और काफी आर्टिकल्स वगैरह में भी हमने देखा था यमसम मोमोज सेक्टर 75 के काफी फेमस है, तो हमने भी यहाँ का इनका स्पेशल
तंदूरी मलाई मोमोज ऑर्डर कर लिया है और दिखने में तो ये मतलब ठीक ठाक ही लग रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। काफ़ी बड़े बड़े मोमोज और हाफ प्लेट है और ये आई थिंक 110 रुपीस के हैं। तो बाकी फिलिंग में इनकी वही गोभी और गाजर और वटेवर चीज़ें हैं। चटनी दो हैं, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। ग्रेवी का टेस्ट काफ़ी एवरेज है, फिलिंग का भी बहुत एवरेज टेस्ट है। मतलब हाँ, अगर आप आसपास रहते हो तो आप आ सकते हो खाने, बट मैं तो दूर से नहीं आऊँगी दोबारा मोमोज खाने के लिए। बाकी आप बताइए अगर आपने कभी यम सम मोमोज के मोमोज टेस्ट करे हैं तो। बाकी चलते हैं अपने थर्ड स्पॉट पे। तो नोएडा के अलग अलग अच्छे अच्छे मोमोज ट्राई करने के लिए हम एक जगह पहुँच चुके हैं, वो है सेक्टर 76 स्काईटेक मेट्रोट सोसाइटी है, उसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट। तो ये है बीटेक मोमोज वाला, जैसे बीटेक पानीपुरी वाला आपने सुना था ना, इसी तरह ये बीटेक मोमोज वाला है। उतना फेमस नहीं है बट हमने काफी सुना था इसके बारे में तो हम भी आ गए ट्राई करने। अच्छा, इनके मुझे मेन्यू में एक स्पेशल बात क्या लगी, जितने भी मोमोज है ना इनके पास, वेज, स्पाइसी, पेरी पेरी पनीर या पेरी पेरी चिकन, वो सब इनकी फिलिंग ही अलग अलग है। मतलब कितने टाइप की फिलिंग बनाते होंगे ये। तो मैंने अपने लिए लिया है वेज स्पाइसी। इन्होंने मोमोज से तीन टाइप की चटनी दी है, रेड नॉर्मल स्पाइसी वाली, ये आपका कोल्सलो वाली मेयो और पीनट चटनी। पीनट चटनी का थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत कम देते हैं। मैंने पीनट चटनी वाले मोमो ज्यादातर पहाड़ों पे खाए हैं। स्किन थोड़ी थिक है बट इसका ये बहुत अच्छा है, इसकी वेजीज बहुत अच्छी है, चटनी इज रियली नाइस, मजा आया। आई थिंक ये यम सम से बेटर है मेरे ख्याल से, काफी अंडररेटेड है क्योंकि यम सम भी काफी पॉपुलर है बट ये इतना पॉपुलर नहीं है, तो मेरे ख्याल से अंडररेटेड है। अगर आप आसपास रहते हो ना या नोएडा के चक्कर कहीं आ रहे हो आप किसी काम के लिए, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। अरे ये चटनी बहुत अच्छी है पीनट वाली, इट्स रियली नाइस। तो वेज मोमोज के अलावा एक चीज जो मुझे थोड़ी और अट्रैक्ट करी वो है इनके पेरी पेरी चिकन मोमोज, और पेरी पेरी चिकन मोमोज की भी फिलिंग अलग थी इनके पास ऑलरेडी। तो आप इनकी फिलिंग में देख सकते हो अंदर मेरे ख्याल से सॉसेस डाल रखी है उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी। तो वैसे मेरे को चिकन मोमोज उतने पसंद नहीं है बट मैं ट्राई करके बताती हूँ। फिलिंग काफी जूसी है और मैं चिकन की उतनी बड़ी फैन नहीं हूँ लेकिन मुझे ये अच्छे लगे यार, मतलब अच्छे, बहुत अच्छे स्पाइस है अंदर, बहुत अच्छा फ्यूजन लग रहा है मेरे को एक्चुअली पनीर पेरी पेरी चिकन का। मेरे ख्याल से इनके पास पेरी पेरी पनीर भी है, वो भी बहुत टेस्टी होंगे, तो आप अगली बार इसको ट्राई जरूर करिएगा। और अगर आपने, आप यहाँ आसपास रहते हो और आपने बीटेक मोमोज वाले के मोमो ट्राई करे हैं तो फटाफट कमेंट में बता दो, खत्म करके नेक्स्ट जगह चलते हैं। तो मोमोज हंट करते हुए हम आ चुके हैं अपने लास्ट स्पॉट पे और ये है आंटी मोमोज, सेक्टर 18 वाले आंटी मोमोज है ये। आंटी मोमोज आप सर्च करोगे ना तो काफी जगह आएंगे बट आपको सेक्टर 18 की मार्केट में आना है, जीआईपी के पास। काफी बड़ी मार्केट है ये और इनका जो आंटी मोमोज की शॉप थी ये भी, मतलब मेरे को नहीं पता था कि भाई ये इतने हाइप्ड अप है, इतनी भीड़ थी ना यार यहाँ पे। मैंने इससे पहले भीड़ चंद्रिका दीदी के वड़ा पाव के स्टॉल पे देखी थी और नेक्स्ट जब मैं यहाँ देख रही हूँ एक्चुअली इतना हाइप है ये, और बाहर इसकी वीडियोस है, रील्स है, बहुत है, हमें भी उससे पता चला था तो हम भी यहाँ इसीलिए ही आए हैं। हमें यहाँ पे चाहिए थे वेज मोमोज एज यूजुअल क्योंकि हमने हर जगह वेज ही खाए हैं बट आउट ऑफ स्टॉक थे तो हमें लेने पड़े पनीर मोमोज। तो हमने इसमें दो कैटेगरी ले ली, एक है पनीर कुरकुरे मोमोज और एक है पनीर स्टीम मोमोज। तो पहले मैं पनीर कुरकुरे मोमोज ट्राई करके देखती हूँ। और मैं चटनी की बात करूँ तो मुझे इसमें चार टाइप की चटनी दिख रही है, ग्रीन चटनी, व्हाइट मेयो, रेड चिली वाली और एक कुछ ऑरेंजिश प्याज वाली चटनी ऑरेंजिश है। भीड़ कैसी थी, भीड़ बता तू भाई, भीड़ तो मेरे को लेकिन लेकिन एक बात है, भीड़ बहुत थी लेकिन हमें ऑर्डर सिर्फ 5 मिनट में मिल गया। हमने यहाँ से ऑर्डर किया और वहाँ पे मोमोज तैयार थे हमारे। ऐसा ऐसा लगा नहीं कि मतलब हमें खड़ा होना पड़ेगा, पहले भीड़ देख के ऐसा लगा कि खड़ा होना पड़ेगा, बट एकदम से फिर मोमोज आ गए। परेशान था, मैंने ना बहुत प्लेटों में झाका, तो चाओ मुझे नूडल्स और चिली ब्रेड इतने यम्मी लगे ना दिखने में, मुझे लग रहा था मैं खा लूं। वो तू छीन लेती ना किसी से, मेरा पेट भरा हुआ है। तो मैं इसको मोमोज को ट्राई करती हूँ, पहले बिना चटनी के फिर चटनी के साथ। अगर तेरा पेट नहीं भरा होता तो तू छीन लेती। भाई फिलिंग तो बहुत भरी हुई है इसके अंदर, ड्राई है थोड़े, जूसी नहीं है बट अच्छी है, माइल्ड फ्लेवर्स है, मिर्ची कम है बहुत। चटनी बताती हूँ मैं,
चटनी के साथ इट्स नाइस, नॉट द बेस्ट मोमो बट इट्स नाइस, आप ट्राई कर सकते हो। मैं शायद दोबारा भी आ सकती हूँ इनके चाइनीज खाने के लिए नेक्स्ट टाइम, बाकी मैं स्टीम मोमोज ट्राई करके बताती हूँ। नेक्स्ट अपने स्टीम मोमोज, इनकी फिलिंग तो सेम ही होगी जैसे कुरकुरे मोमोज की फिलिंग है, बट मेरे को इसकी स्किन देखनी है और स्टीम के साथ कैसे टेस्ट करता है वो देखना है। स्किन तो थोड़ी सी मतलब मेरे ख्याल से ना, हमें जितने भी नोएडा के मोमोज खाए ना हमने, मुझे उतनी थिन स्किन कहीं नहीं मिली जितनी हमने आई थिंक हम मजनू अडीला खाते हैं या कहीं और अच्छी जगह खाते हैं तो। बट इट्स वेरी गुड यार, वो तो फिलिंग का टेस्ट तो है ही अच्छा, उतने ड्राई लग रहे थे उतने कुरकुरे ड्राई लग रहे थे, बिना चटनी के मुझे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि फिलिंग ना इसके अंदर बहुत लबालब भरी हुई है और जितने मैंने पनीर मोमोज खाया ना बहुत कंजूसी से फिलिंग डालते हैं उसके अंदर। हाफ प्लेट का प्राइस है 60 रुपीज और मेरे हिसाब से 60 रुपीज के 5 मोमोज इतने हैवी फिलिंग के साथ तो ये मेरे को लग रहा है अच्छा प्राइस है, मतलब इतने ओवर प्राइस भी नहीं है क्योंकि उस हिसाब से ये टेस्ट भी दे रहे हैं। तो आज के दिन का हमारा मोमोज हंट होता है यहीं पे खत्म, आंटी मोमोज पे खत्म। अगर मैं कंक्लूजन पे आऊं तो मुझे पूरे दिन के बेस्ट मोमोज तो ऑब्वियस है टेस्ट ऑफ सिक्किम के ही लगे, लेकिन अगर मैं देखूं एज अ कैफे स्टाइल मोमोज तो वो टेस्ट ऑफ सिक्किम बेस्ट मोमोज थे, और अगर मैं देखूं स्ट्रीट स्टाइल वाले मोमोज तो मैं बीटेक वाले में और इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। तू कंफ्यूज नहीं है, मैंने तेरे को कंफ्यूज किया है। नहीं नहीं, बीटेक वाले की स्किन अच्छी नहीं थी बट उसकी फिलिंग बहुत अच्छी थी, इनकी स्किन अच्छी है फिलिंग उतनी अच्छी नहीं है। जैसे बीटेक मोमोज वाले के पास सिर्फ बीटेक मोमो सिर्फ मोमोज ही मिलते हैं, लेकिन इनके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं दोबारा यहाँ पे आना प्रेफर करूंगी इसीलिए आंटी मोमोज पे। तो इसीलिए आज के विजेता हुए आंटी मोमोज। आज विजेता कैसे हुए आंटी मोमोज? अभी तो तूने टेस्ट ऑफ सिक्किम बोला। अरे स्ट्रीट स्टाइल वाले यार गड़बड़ कर गड़बड़। स्ट्रीट स्टाइल वाले में आंटी मोमोज विनर हुए और कैफे में हमने कुछ और टेस्ट ही नहीं किया, सिर्फ हमने टेस्ट ऑफ सिक्किम टेस्ट किया, तो टेस्ट ऑफ सिक्किम के मोमोज तो वाह वाह थे। बाकी ओवरऑल अगर दिन की बात की जाए तो बेस्ट मोमोज थे टेस्ट ऑफ सिक्किम के। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो फटाफट आप इसको पहले लाइक कर दीजिए, और दूसरी बात अगर आपने नोएडा में कहीं और भी अच्छे मोमोज खा रखे हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम उसका पार्ट टू बनाएं तो आप कमेंट कर दीजिए पार्ट टू, हम हाजिर हो जाएंगे पार्ट टू के साथ। बाकी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने नोएडा वाले मित्रों या फिर एनसीआर वाले मित्रों के साथ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।